अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे और हैदर के तलाक पे होने वाली सुनवाई की तारीख है इसमें। अपने लिए दुआएं करना शुरू कर दो तुम, क्योंकि इसी तारीख पे तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा, पर तुम इस घर से रुखसत होगी। और उसके बाद तुम्हें मालूम है तुम कहां जाओगी? सीधे जेल। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि हमें तुम्हारी इन सारी चालों के बारे में कैसे पता चला? और हैरान हो रही होगी कि हमने अम्मी को इतनी आसानी से कायनात और हफीज के निकाह के लिए कैसे मना लिया? मैं बताती हूँ, वो देखो, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। जिसके बारे में हमने तुम्हें इत्तला किया था, सीसीटीवी कैमरा के जरिए हम तुम्हें सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि सुन भी सकते हैं। तुम ही बताओ गजल, हम जैसा दुश्मन तुम्हें कहां मिलेगा, जिसने तुम्हें साफ साफ कहा था, समझाया था कि कोई चालबाजी मत करना, कोई चाले मत चलना, मगर तुम नहीं मानी तो अब तुम्हारी गलती है ना। बड़ी चालाकी से हफीज के बारे में अम्मी के कान भरने शुरू कर दिए। हमने तुम्हें सुन लिया और फिर हमने एक और चाल चली, वो चाल जिसके जरिए हमने अम्मी को कायनात और हफीज के निकाह के लिए भी मना लिया और मेरी अम्मी ने मेरी सास से माफी भी मांग ली। और इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दिया और बाजी मार ली। एक बात याद रखो गजल, जहर चाहे कितना भी तेज क्यों ना, उसका तोड़ जरूर होता है। तुमने अम्मी के दिमाग में जो जहर भरा था ना, मेरी अम्मी की एक्टिंग और हैदर की एक्टिंग से वो जहर कट गया, देखा ना तुमने? और हाँ गजल, अगर हम अम्मी से मोहब्बत नहीं करते तो बाजी नहीं मारते तुम्हें मार देते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो, ये दूसरी वार्निंग है। अगर दोबारा तुमने अम्मी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत की तो मुंह के बल गिरोगी। और अब जो तुम करोगी वो कैमरे की आंखें देख भी रही है और सुन भी रही है। उम्मीद है कि अब तक तो तुम समझ गई होगी कथा कि जब कुत्ता शेरों के बीच में हो तो उसे भौंकना नहीं चाहिए, दुम दबा के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। चाहे मुझ पे कितनी नजर रख लो बेवकूफों, मैं हवा बन जाऊंगी, सामने रहूंगी मगर नजर नहीं आऊंगी।
बस मेरा वक्त आने दो, फिर चाहे हफीज और कायनात का निकाह हो या फिर तुम्हारे और हैदर के निकाह का ढोंग हो, मैं दोनों ही नहीं होने दूंगी। उस बुढ़िया को निकाह का माहौल देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उसे याद आ जाएगा कि मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, और फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी? तलाक की तारीख मेरी जिंदगी के खात्मे की तारीख बन जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ इतना बड़ा करना होगा कि बाजी ही पलट जाए। बहुत हो गई मोहब्बत की बातें, मैंने कहा निकलो यहाँ से। चुप, निकलोगी तुम यहाँ से। मैं इस घर की बहू, हैदर ने मुझसे निकाह किया है, तुमसे ज्यादा मकाम है मेरा, वरना हैदर तुम्हारे बाद मुझसे निकाह नहीं करते। इसीलिए निकलोगी तुम इस घर से, और तुम्हारा सामान मैं नहीं, समझी तुम? अरे क्या कर रही है तुम, पागल हो गई है क्या? अरे गजल क्या कर रही है बेवकूफ? अरे पागल हो गई क्या कर रही है ये? ये क्या कर रही है, रोकी ना इसे। अरे कोई रोको इस कमबख्त को। She's crazy man. क्या कर रही हो, रुक जाओ ना। गुलनाज मार से, दो चार थप्पड़ मार से अभी इसकी अकल ठिकानी आएगी। ये ना मुराद ना ऐसी नहीं मानेगी, इसका तो सर फोड़ना पड़ेगा। नूर चल पीछे हट, इसको तो मैं मार दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या हाल बना दिया है कमरे का, हो क्या रहा है? तो फिर रो क्यों रही हो? दुआ मेरे कमरे पर कब्जा करना चाहती है अम्मी। ये पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकाल देना चाहती है, उसके बाद इस घर से। अम्मी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल रोना बंद करो, अब तो हमें इस दुआ से आजादी मिलने वाली है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।